बड़ी खबर है बीकानेर से। बीकानेर में एसीबी का डबल ट्रैप, एएन आईजीएनपी ट्रैप और जूनियर अकाउंटेंट ट्रैप किया गया। 8,000 की रिश्वत, दिनेश कुमार गिरफ्तार रिश्वत लेते हुए, और 15,000 की रिश्वत लेते पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, डबल ट्रैप हुआ है एसीबी की तरफ से, वहां पर क्या सूचनाएं मिल रही थी, किस आधार पर कार्रवाइयां हुई है दोनों ही जगह, बताएं विस्तार से। देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी अच्छी कार्रवाई है, और जैसा कि बीकानेर एसीबी लगातार, जैसे प्रदेश की एसीबी के निर्देश में डीजीपी एसीबी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश सहमे के निर्देशन में काम कर रही है, बीकानेर में आईजीएनपी यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के एएन है दिनेश कुमार आर्य, उनको 8,000 रुपए की रिश्वत लेते, और पवन कुमार है जूनियर असिस्टेंट आईजीएनपी में, उनको 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। एडिशनल एसपी रजनीश पुनिया की अगुवाई में कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी जो है हाउस सर्च चल रहा है, एएन के घर पर शुरू किया गया है। तो आप समझ सकते हैं आईजीएनपी जो सीधे तौर पर, आप इस बात को समझिए, किसानों से जुड़ा एक विभाग है, कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, वहां पर ज्यादातर काम किसानों से जुड़े होते हैं, उसमें भी यदि ऐसा चलता है तो आप समझ सकते हैं कि किसान के साथ किस तरह से हो रहा है। और तारीफ करनी होगी राजस्थान एसीबी की कि लगातार एसीबी एक्शन मोड में है और इस तरह के ट्रैप कर रही है। बीकानेर एसीबी के जो अधिकारी हैं रजनीश पुनिया, उनकी अगुवाई में पहले भी एक आरएस। चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका तमाम जानकारियों के लिए।